महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस जो विस्तारित कार्यकर्मी या सभेला उपस्थित अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देवजी महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष आमचाई चारुलताई तुकस नैशनल कोऑर्डिनेटर श्रीमती नूरी खान सेक्रेटरी संध्या सावालाखे एडवोकेट सुशी बेन शाह कन्वेनर लीगल सेल श्रीमती भावना जैन सेक्रेटरी आकांक्षा ओला सेक्रेटरी श्रीमती संगीता तिवारी सन्मान्य व्यासपीठ उपस्थित सर्व महिला कांग्रेस के जिला प्रदेश ब्लॉक तालुके अध्यक्ष मी हिंदी बोलते जेनेकर सुष्मिता देवीना अपना सग विषय कल चले ना मैं सुष्मिता जी से नीचे ही बात कर रहा था कैबिन में कि डीमोरलाइजेशन पूरे संगठना में पूरे देश भर में है कांग्रेस के वर्कर में है ना आप लोग को ऐसा लगता है अभी क्या करने का मतलब पिक्चर के थिएटर में जाकर के बैठ गए लाइट बंद है और स्क्रीन चालू ही नहीं हो रही है आपको फील ऐसा आती है पीछे मुड़ के देखते हैं कैमरा कब शुरू होगा हीरो कब दिखेगा पिक्चर कब शुरू होगी आपके मन में एक सवाल ना ताली बजा सकते हैं ना सिटी बजा सकते हैं ना थिएटर छोड़ के जा सकते हैं एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में सारे वर्कर्स पार्टी के हैं ऐसा एक चित्र आपके हमारे नजरों के सामने खड़ा हुआ है मगर जब अंधेरा होता है और अगर आप आंख बंद करके ध्यान लगाते हो तो हिंदू मैथोलॉजी में भी कहा गया है साइंस भी बताता है कि आप बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस्ड होते हो टेंशन में होते हो और आजकल डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि सवेरे ध्यान लगाइए ओम का उपचार कीजिए आपके मंत्र का उपचार कीजिए आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस भगवान खुदा का नाम लीजिए तो आपके मन को और दिमाग को शांति मिलती है और दिशा आपको समझ में आता है तो मुझे यह लगता है कि ये समय पार्टी के हर वर्कर को ध्यान लगा करके समझने का है कि वो पिक्चर शुरू होगी पिक्चर देख के ताली बजाएंगे उससे ज्यादा वो खुद क्या करेंगे इस पे आपको सोचने की जरूरत है इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में गांधी जी के साथ में आप लोगों ने कितना इतिहास पढ़ा है मैं नहीं जानता मगर आज इंटरनेट की वजह से और राजीव जी की वजह से आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का उपयोग आप और हम सब कर रहे हैं वो आपके हाथ में है उसमें से अगर आप अपने बच्चों से पूछ करके थोड़ा सा गूगल करेंगे थोड़ा सा सर्फिंग करेंगे तो आपको कई मालूमात जो आप यहां पे सवाल उपस्थित कर रहे थे उसका सारा जवाब आपको वहीं मिलेगा मगर जाना कहां है और देखना क्या है
उतनी आपको अपने दिल और दिमाग से सोचना है। आपने निश्चित कर लिया कि भाई कांग्रेस की पिक्चर देखनी है तो आपको कांग्रेस को ढूंढना होगा। आपने निश्चित कर लिया कि स्वतंत्र के पहले की कांग्रेस को देखना है तो वो इतिहास आप पढ़ सकेंगे। स्वतंत्र की लड़ाई में गांधी जी का साथ आपको पता है किन लोगों ने दिया था? ये इस सभागृह में बैठे हुए आप और हम सर्व सामान्य लोगों ने दिया था। उनका साथ कोई प्रस्तापित लोगों ने, राजा महाराजा नवाबों ने नहीं दिया था, क्योंकि उनको डर था कि अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ेंगे तो हमारा राजवाड़ी चला जाएगा, नवाबी चले जाएगी, जमींदारी चले जाएगी। मगर जिसके पास कुछ भी नहीं था उसको किसी बात का डर नहीं था। तो आप और हम आज उसी सेना में आते हैं कि आपके पास हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसके लिए ताकत से सिर्फ कौन लड़ सकता है? आप और हम लड़ सकते हैं। आज आप रोज पेपर में पढ़ते हो और आपको ऐसा लगता है ये भी चला गया वो भी चला गया, तो उन लोग वो लोग जो जा रहे हैं उनके बारे में अगर आपने मालूमात पता की तो आपको नजर आएगा कि या तो कोई दूध संघ के चेयरमैन है, साकर कारखाने के सम्राट है, या शिक्षण सम्राट है, या बहुत बड़े जमींदार हैं जिनको सरकार के साथ के बगैर वो अपनी सत्ता नहीं चला सकते। मगर आज जो पार्टी के अंदर जो वर्कर मौजूद है, मेरा ये मानना है कि वो आप हैं और आप ही कांग्रेस के लॉयलिस्ट, और आपके ही ताकत से और कंधों के ऊपर ये कांग्रेस और ये पार्टी फिर से खड़ी हो सकती है। महिलाओं को मार्गदर्शन, सुष्मिता जी मैं क्या करूंगा, पुरुष महिलाओं को क्या मार्गदर्शन कर सकते, क्योंकि इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो संस्कृति है और हिंदू धर्म के अंदर मैथोलॉजी के अंदर देवी और देवताओं के अंदर सब में ज्यादा देवियां हैं, और उन देवियों का अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो दुर्गा माता का नाम पहले आता है आपको ताली भी नहीं बजाते। आप सबका रूप अपने अपने घर में दुर्गा माता का होता है, तो हमारे ऐसे लोगों को पूछो घर में हमारा क्या हाल होता है। हम लोग भले घर के बाहर शेर बन के घूमते हैं मगर घर में घुसके तो बिल्ली की आवाज हमारी नहीं निकलती। दुर्गा माता का रूप आपका होता है विनाश, और गलत लोगों को, दुश्मनों को खत्म करने का काम दुर्गा माता की पूजा आराधना की जाती है। सीता, काली, गंगा, तुलसी, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, कामधेनु, ये सारी माताएं जो है वो आप में बसती, हमारी मां बहनों के अंदर बसती है। इस हिंदुस्तान की संस्कृति देवियों की ज्यादा पूजा करती है, देवों की नहीं, देवों की कम। यह हिंदू संस्कृति है, और इस हिंदू संस्कृति के चलते हुए भी अगर इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर महिलाओं के ऊपर आज भी लाखों की तादाद में अत्याचार हो रहे हैं, मोलास्टेशन हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस हो रहे हैं, डिवोर्स के केस हो रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? जो प्रशासन में रहता है वही जिम्मेदार होता है ना। आपने यहां पर किसी ने कहा कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, मैं आपको मुद्दे बता रहा हूं कि मुद्दे आपके हमारे नजरों के सामने हैं, मगर हम इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की पिक्चर शुरू होगी तो वो हम देखेंगे। मुद्दे आपके हमारे सामने हैं। स्टैटिस्टिकली आपको बताना चाहता हूं कि 25 लाख डिवोर्स के केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, लाखों लाखों डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। डोमेस्टिक वायलेंस का कायदा किसने लाया ये पता है आपको? हाथ उठा के बताइए, आप मत उठाइए, आप वकील है, हाथ उठा के बताइए, हमारी मां बहनों ने हाथ उठाई। 2005 में कांग्रेस ने लाया डोमेस्टिक वायलेंस का केस कि महिलाओं के ऊपर परिवार में जो अत्याचार होते हैं उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस लाया। ये किसको पता होना चाहिए?
कांग्रेस के वर्कर को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ट्रिपल तलाक की बात होती है, हर मुद्दे को भाजपा ने पोलराइजेशन के एंगल से पब्लिसाइज किया है। और क्योंकि आप और हम ना कांग्रेस की किताब पढ़ते हैं, ना सर्फिंग करते हैं, ना इतिहास देखते हैं, ना हम ये सोचते हैं कि हमारा किरदार क्या होगा, हमारी भूमिका क्या होगी, इसलिए हमको कुछ मालूम नहीं होती है। 50% महिलाएं इस देश की पॉपुलेशन है। ट्रिपल तलाक की बात होती है, आप में से कितने लोग जानते हैं कि शरीयत क्या है, इस्लामिक लॉ क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस देश में रहने वाले हर जाति धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पालन करने का अधिकार इस देश की घटना डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। आप में से हम लोग कितने लोग जानते हैं कि सिखों को अपना धर्म पालने का अधिकार है, ईसाइयों को अपना धर्म पालने का अधिकार है, सारे जो अन्य माइनॉरिटीज हैं उनको अपने धर्म और मजहब पे उनके धर्म विधि को पालने का अधिकार है। मगर उठ छुट होकर के बाद, क्योंकि पोलराइजेशन करना है इसलिए सिर्फ मुसलमानों की बात करनी है, और इसलिए एक कम्युनिटी को लिजा करके एक बैड लाइट में खड़ा कर देना है और बताना है कि ये इस कम्युनिटी के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। अभी मैंने आपको 25 लाख केसेस बताया, उस 25 लाख केसेस जो डिवोर्स के केस कोर्ट में पेंडिंग है, आपको पता है उसमें से मुस्लिम महिलाओं के केस कितना है? 0.25% ओनली। कितना? 0.25% ओनली आउट ऑफ 25 लाख। क्यों? क्योंकि शरीयत के तौर पे जिस परिवार के अंदर धार्मिकता के आधार पे जिस धर्म ने शादी करना या तलाक देने का अधिकार दिया है तो उनको कोर्टों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 25 लाख केसेस किसके हैं? फिर ये हिंदू समाज के हैं। सेपरेशन के अंदर लाखों लाखों महिलाएं रहती है। अब हमको इस देश के किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में बताने की जरूरत नहीं है, है क्या? क्या वो उन्होंने अपने घर के अंदर अपनी महिला के साथ क्या किया है, बीवी के साथ, ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो उदाहरण देने के लिए आपके पास मटेरियल स्टॉक बैरल बहुत है। आपको यह पता है क्या कि इस्लामिक शरीयत लॉ के ऊपर हिंदू डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट बना है, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट जो है उसके सारे के सारे मुद्दे जो शरीयत के अंदर है, इस्लामिक शरीयत के अंदर तलाक के तलाक किस बेसिस पे दिया जा सकता है, किस बेसिस पे लिया जा सकता है, ये सारे मुद्दे जो होते हैं वो शरीयत के अंदर जो मुद्दे हैं वो कॉमन है। इलिटरेसी है कम्युनिटीज के अंदर, माइनॉरिटीज में ज्यादा है। अब माइनॉरिटीज में अगर इलिटरेसी ज्यादा है और उसके अंदर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो इसका यह मतलब नहीं होता कि पूरी कम्युनिटी को आप उस एंगल से देखा जाए। हमारी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी विद इन द पार्टी भी जो है, या मेजॉरिटी कम्युनिटी विद इन द कंट्री भी जो है, वो भी इस बात को नहीं जानते कि शरीयत क्या है, वो भी हिंदू मैरिज एक्ट क्या है नहीं जानते। और इसीलिए ये कहते हैं नहीं नहीं बरोबर है, मुसलमान लोग ऐसी ट्रिपल तलाक देते हैं, चाचा शादी करते हैं। जब हम जिस बात का हमको विरोध करना है या लोगों के सामने सही चित्र खड़ा करना है, अगर उसका अध्ययन आप और हम नहीं करेंगे तो हम लोगों के बीच में जाके आर्ग्यूमेंट क्या करेंगे और अपनी बातों को किस तरह रखेंगे। इसलिए उसको सीखना, समझना, देखना ये आपका हमारा फर्ज बनता है। महिलाएं, आपने अभी यहां पे किसी ने कहा कि हमको शक्ति देना चाहिए, ताकत देना चाहिए, भगवान की तरफ से आप लोगों को नेचुरल शक्ति दी गई है, सोच की, विचार की, मेमोरी की। आपको इस मोबाइल के मेमोरी कार्ड के लिए जैसे मेमोरी की जरूरत नहीं है। आप किचन में खड़े रहते हैं, आपकी घरगुती वस्तुओं जो होती है, आपके अकेले के घर में आप 10 से 15 हजार वस्तु वापरते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
मगर आपको बरोबर महीने के आखिर में पता होता है कि आपको मार्केट से कौन सी चीज लानी है। आप यहाँ पति के साथ झगड़ा करेंगे मुंह उस तरफ करके, लेकिन कबाट में हाथ डाल के मिर्ची नमक बरोबर निकालेंगे। तो आपको यह बरोबर पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ है, आपको यह बरोबर पता होता है कि पति के कौन से जेब में पैसा है और कौन से जेब में रुमाल है। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप में भगवान ने महिलाओं को एक अलग शक्ति दी है, विचारों की, मेमोरीज की ताकत दी है। उस ताकत को आपको जो है पार्टी के राह में उसको यूज करना चाहिए। आपने यहां पे एक 100 फैमिलीज की संपर्क की बात हुई, आज हम लोग डिमोरलाइज है आप लोग। मैं अपने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब महिलाओं को बुला करके कहता हूं कि सिर्फ 100 परिवार को संपर्क करो, तो वो भी करने की क्षमता नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। क्षमता है मगर इच्छा शक्ति नहीं है। आपको वो इच्छा शक्ति पैदा करनी पड़ेगी, और जब तक कि आप वो इच्छा शक्ति पैदा नहीं करेंगे तब तक कि हम ये चुनाव का सामना नहीं कर पाएंगे। लड़ना, हारना, जीतना ये अपनी जगह पर है, मगर अपने आप में एक इच्छा शक्ति होने की जरूरत है कि हमको ये लड़ाई लड़नी है, हमको ये लड़ाई लड़नी है। ये एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ऐसे ही होता है कि जो सत्ता में रहता है लोग उसकी वादा करते हैं, उसके बैनर लगेंगे, पोस्टर लगेंगे। आप भूल जाते हो कि 15-20 साल आप और हम भी सत्ता में थे, सिर्फ आपके ही और हमारे ही पोस्टर बैनर दिखते थे, आपके ही हमारे ही मंत्री और मुख्यमंत्री जिले के दौरा करते थे। तभी सेना, बीजेपी और विरोधी पक्ष नजर नहीं आते थे, आते थे क्या? नहीं आते थे। तो जो सत्ता में रहते हैं जनता ऐसी ही रहती है कि जो सत्ता में है उसका वाहवाह करते हैं, और जो विरोधी पक्ष में है, आपका हमारा भूमिका क्या है? विरोधी पक्ष की है। लोकतंत्र में जितना महत्व विरोधी पक्ष को होता है, जितना बेफाम आरोप, आंदोलन, संघर्ष आप विरोध पक्ष में रह के कर सकते हो, वो सत्ता में रह के आप नहीं कर सकते। कितनी हजारों योजना इन्होंने महिलाओं की बंद की, शिक्षण के अंदर की सब्सिडीज बंद कर डाली। आज इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम 75 मेडिकल कॉलेजेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप में से किसी ने अध्ययन किया इसका कि 75 मेडिकल कॉलेजेस आप स्टार्ट करने वाले हैं? बहुत अच्छी बात है, मगर जो प्रेजेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी क्या दशा है? क्या वहां पे फैकल्टीज हैं? क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? इस पिछले 5 साल में वो जो प्रेजेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी क्या कंडीशन है? ये आपको सीखना होगा, पढ़ना होगा, देखना होगा। जब तक कि हम खुद पढ़ेंगे नहीं तब तक कि हम जनता के बीच जाके अपनी बातों को नहीं रख सकते। किसी ने यहाँ पे ये भी कहा कि महिला कांग्रेस के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस में लोगों को लेना चाहिए, जिला कांग्रेस में लेना चाहिए। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं कि बिल्कुल लेना चाहिए, मगर जिला महिला कांग्रेस ने भी नाम देना चाहिए, तालुका महिला कांग्रेस ने भी नाम देना चाहिए। ऐसे नाम नहीं देना चाहिए कि ये हमारी कमेटी में बहुत गड़बड़ करती है, इसको उधर भेज दो। सब बात है, सब दिल की बात है। बिल्कुल आप दीजिए। हमारी चारुलता ताई टोकस जो है बहुत एक्टिव है, सुष्मिता देव जी, इनके मदर के जमाने से मेरा इनका परिवार के साथ संबंध रहा है। जिला परिषद में थी तब भी बहुत बेहतरीन काम इन्होंने किया। प्रभा राव जी जो थी वो हमारी मदरली फिगर थी, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था स्टेट का। तो इन्होंने संगठना अच्छी बांधी है। पिछले कई सालों से संगठना का ये रूप महिला कांग्रेस का हमको देखने नहीं मिला, आज मुझे देखने मिलता है। इसके लिए आपका भी अभिनंदन और आपकी पूरी टीम का भी अभिनंदन, और आप लोगों को प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, आदरणीय बाला साहब थोराट साहब की जानिब से, उनकी तरफ से मैं ये आश्वासित करना चाहता हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अपनी टीम्स तैयार कीजिए। उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम कॉर्डिनेट करेंगे। मैं थोराट साहब से बोलूंगा, मैं खुद कॉर्डिनेट करूंगा, मगर काम होना चाहिए। आप महिलाएं अपने वर्कर्स को सिर्फ ये कहिए तुम दूसरा कुछ मत करो, तुम सिर्फ 100 वोट लेके आओ। 100 परिवार भी नहीं कहता हूं मैं, 100 वोट बोला तो सिर्फ 25 परिवार। 25 परिवार का भी आसान रास्ता आपको बताता हूं कि आपके मोबाइल जो है ना,
उसके अंदर हम किसका नंबर स्टोर करते हैं? अपने पहचान वालों का, अपने नजदीकियों का, अपने रिश्तेदारों का। आप सिर्फ उन लोगों को फॉलो अप कीजिए, उनको बोलिए भाई बाहर निकलिए और कांग्रेस को वोट कीजिए, तो भी आप जो है वोट का परसेंटेज बढ़ा देंगे। भाई ये बात तो समझ लीजिए आप कि 100% वोटर्स वोटिंग को नहीं जाते हैं, 85% वोटिंग को जाते हैं। इतने बुरी परिस्थितियों में भी कांग्रेस को 15 करोड़ वोट मिले हैं और ये 22 करोड़ वोट लेकर के 300 सीटें इन्होंने ली है, चाहे मशीन का गड़बड़ हो या अन्य चीज का हो, लेकिन 50% जनता ने वोट नहीं किया। 22% 135 करोड़ के सामने 22% मतलब 15 से 17% जनता ने ही सिर्फ इस देश में बीजेपी को वोट किया। ओनली 15 to 17%, 50% पीपल हैव नॉट वोटेड। तो आपको यह करना है, वो 50% लोगों को पकड़ना है और वो आपके हाथ में मोबाइल है, 100, 200, 300 कॉन्टैक्ट है, मतलब अगर आप बाहर भी जाके काम नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक दूसरा रास्ता बताऊं। आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, खाली आप अपनी सोसाइटी के अंदर के लोगों को भी अगर आपने कहा कि भाई आप कांग्रेस को वोट कीजिए, ये महिलाओं के ऊपर के 5 साल में अत्याचार देखिए, रेप के केसेस देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखिए, रवीश कुमार के कंटिन्यूस एपिसोड्स आते हैं, कुछ अपना वाजपेयी जी के कंटिन्यूस एपिसोड्स आते हैं, खाली उसी को अगर आपने आपका शेयर भी कर लिया और उसको सुन लिया तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल जाएगा जिसके ऊपर प्रचार आप कर सकते हैं। आप सभी लोग भारी संख्या में पूरे महाराष्ट्र से आए, इसलिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ। मुझे यहाँ बुला करके आपने दो शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।